मुगा के गांव लंडे के में स्कूल ऑफ एनिमस से बच्चों के लिए फ्री बस सेवा शुरुआत की गई है। विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि आज गांव लड़े के स्कूल ऑफ एमिनस से मोगा के 8 गांव के स्कूल के बच्चों को लेने के लिए स्कूल बस रवाना की गई है। हल्का मोगा में 5 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें से आज हमने पहली बस रवाना की है। जल्द ही 4 बसें और चलाई जाएंगी। इस मौके पर SDM समेत DO अनीता पुरी ने सरकार का धन्यवाद किया है। अज 14 नवंबर बाल दिवस से SOE स्कूल जड़ा है सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लंडे के और सीनियर सैकेंडरी स्कूल गर्ल्स मोगा दे विद्यार्थियों नू एक शिक्षा विभाग वालों कह लो कि उन्होंने तोहफा है कि आज जड़ी है बस जड़ी है उन्होंने असी हरी झंडी देन जा रहे हाँ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। अज जिस तरह मान साहब ने साडे मानयोग मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान जी ने क्या सीगा कि बच्चों नू अच्छी शिक्षा अच्छी सेहत और रुजगार देवांगे, सो उस दे तहत असी एक जो सिक्ख्या क्रांति साड़ी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्टार्ट की है स्कूल ऑफ फैमिनेंस उस दे विच साडे बहुत ही दूर दुराडे तो जिहड़े पिंडां तो बच्चे पढ़न आते हैं स्कूलों के सो उन्हां दे लई बड़ी तकलीफ हुंदी सी, बच्चों नू साइकिल ते आंदे सी जां फिर बसेस की वेट करनी पैंदी सी। पहला असी बस ते आंदे सीगे प्राइवेट बसां ते, उत्थे असी ज़्यादा भीड़ हुंदी सीगी ते असी खड़ के आंदे हुंदे सीगे, स्कूल टाइम सिर नहीं पहुँच पाते सीगे ते उदो प्रेल हो जाती हुंदी सीगी ते फिर जदों प्रेल हो जाती सी ते मैडम भी बोलते हुंदे सीगे ते मैडम कहते टाइम ते आया करो टाइम ते उठ्या करो है ना, ते बस लेट हुंदी सीगी, बस च भीड़ भी बहुत हुंदी सीगी तां करके फिर लेट हो जाते सीगे। मैं गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सैकेंडरी स्कूल च पढ़दी हां ते मैं प्लस 2 क्लास च पढ़दी हां। के केड़े पिंड तों आउंदे हो तुसीं? लंडे के तों। ते अज तुहाडे स्कूल नूं बसां प्रोवाइड कराईआं गईआं पंजाब सरकार वल्लों, मैंने उपराला बहुत वधिया लग्या ते इस नाल टाइम दी भी बहुत बचत हुंदी है ते पैसे दी भी बहुत बचत हुंदी है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਆਟੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਟੋ ਤੇ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 20-40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਲੱਸ 2 ਕਲਾਸ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼? 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਡਿੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 600 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 240 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਟੈਂਪੂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।